इंस्टाग्रामर्स खेलेंगे आज हमारे साथ गेम चेंजर, लेकिन सिर्फ एक पॉइंट कम है टिकटॉकर्स का और जीत आज चारों टीमें सकती है। सोच समझ के खेलना। लाओ भाई जल्दी से मेरा पोडियम लेके आओ। फैंस को कहना चाहता हूँ सिर्फ एक दफा जीरो, उससे पहले भी हम लोग एक पॉइंट से सिर्फ रह गए थे, उससे पहले भी हम लोग अच्छा खेले थे। नहीं, आज तुम लोगों ने बहुत शानदार खेला और आज भी हम लोग टिकटॉकर्स भी अच्छा खेला, तो फैंस हमें खुश रहे क्योंकि वो रो रहे थे, कॉल करके रो रहे थे, कुछ पता नहीं क्या बच्चे रो रहे थे उनके। देखिए एक चीज, मैं एक चीज चारों टीम के फैंस से बताना चाहूंगा, देखिए किसी दिन कोई टीम अच्छा खेलती है तो वो जीतेगी, किसी दिन कोई सी टीम, ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई एक ही टीम रोजाना बहुत अच्छा खेले, ये बहुत मुश्किल है। अगर अच्छा खेलेंगे तो भाई यहाँ से जीत जाए। आपके सामने ही सारे गेम्स होते हैं, आपके सामने ही सबको बराबर का मौका दिया जाता है, इनमें से जो ज्यादा मेहनत करता है या सबसे इंपॉर्टेंट जिसके साथ किस्मत होती है वो जीतता है। जैसे कि आज गेम चेंजर खेलने जा रहे हैं इंस्टाग्रामर्स, अब अगर इनकी किस्मत में होगा तो ये जीत जाएंगे, नहीं होगा तो कोई और जीतेगा। जल्दी बताइएगा, हमारे पास टोटल 2 मिनट है खेलने के लिए, सिर्फ 2 मिनट है हमारे पास। 3 ब्रीफकेसेस कौन से मंगाओ जल्दी बताओ सर। हाँ जल्दी से माइक में बोलो ना बेटा। 1, 3 और 8 ला भाई कह रही है 1। एक मिनट दानिश, मैं अब अगर तुमने बोला मैं मान लूंगा ये बात, सोच समझ के मैंने कहा 2 मिनट है मेरे पास, जल्दी बताओ। 8 मांगो दानिश भाई पहले। नंबर 8 ला भाई, नंबर 8 लेकर आओ और बताओ। 3 नंबर 3 लेकर आओ और 1 वो भी तो यही बोल रही थी। टाइम जाया करना अब्दुल बासित से सीख ले कोई। ला 1, 3 और 8 फुटेज खा रहा मगर। चलो भाई इंस्टाग्रामर्स, इंस्टाग्रामर्स तुम्हारे पास पावर है, कभी भी कुछ भी स्वाप कर सकते हो, लेकिन अब तुम्हारी बारी है। इन तीनों टीम्स में से किसे देना है तुमने ब्रीफकेस, किस नंबर का? नंबर नंबर 4। नंबर 4 किसको देना है आपने? नंबर 4 किसको देना है? नंबर 4 किसको देना है गाइस? अब्दुल बासित क्या हो गया तुम्हें? यार एक चीज अपने आपस में डिसाइड करो पहले, मुझे नहीं पता। नंबर 2 दे दू? नंबर 2 सर। नंबर 2 लाओ और टिकटॉकर्स को दे दो नंबर 2। चलो अब शुरू करते हैं आज का गेम चेंजर। याद रहे, सुनो मेरी बात, तुम्हारे पास अगर इन 3 ब्रीफकेसेस में कोई भी निकल जाते हैं 10 लाख में तो जीत गए तुम लोग, अगर नहीं निकलते तो इन तीनों के पास में से किसी के पास भी आज निकल आए तो ये लोग जीत जाएंगे आज। आज कोई एक भी टीम बाहर नहीं है गेम चेंजर से, कोई भी टीम जीत सकती है। सबसे पहले कौन सा ब्रीफकेस ओपन करूं जल्दी बताओ? 1 ला भाई, नंबर 1 लेकर आओ जल्दी 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 जल्दी। और सबसे पहले ओपन कराया है इंस्टाग्रामर्स ने ब्रीफकेस नंबर 1 और इंस्टाग्रामर्स ने अपना पहला चांस जाया कर दिया। ये उल्टा लगा हुआ है, ये कुछ 9 लाख रुपए है, ऐसे है ये 9 लाख। एक चांस जाया हो गया गाइस। तुम्हारे पास स्वाप करने की पावर है अगर तुम चाहते हो अपने ब्रीफ केस को या इन तीनों में से भी किसी के ब्रीफ केस को उन नंबर से या आपस में स्वाप कर सकते हो। नेक्स्ट ब्रीफ केस बताओ जल्दी से, लाओ नंबर 8 लेकर आओ। सिर्फ 3 चांस है तुम्हारे पास आज, याद रखो। नंबर 8 बोला इंस्टाग्रामर्स ने और इसमें नहीं करो, और नंबर 8 में 6 लाख रुपए। दूसरा ब्रीफ केस भी जाया। इंस्टाग्रामर्स तुम्हारा आखिरी चांस, मैं एक बात फिर याद दिला दूं, चाहो तो स्वाप कर सकते हो या इनमें से किसी का भी ब्रीफ केस उन नंबर से भी स्वाप कर सकते हो। बताओ यही ब्रीफ केस ओपन करूं? जल्दी से गाइस, दानिश भी ये खोलें। नंबर 3 ओपन कर दो जी। ला भाई नंबर 3 ले आओ। इंस्टाग्रामर्स ने अपना आखिरी ब्रीफ केस नंबर 3 मुझे ओपन करने के लिए बोला है, मैं जल्दी से बताता हूं। इस 3 नंबर में आज 10 लाख रुपए अगर
होते तो तुम लोग जीत जाते, ये तीसरा चांस भी जाया। इंस्टाग्रामर ने अपने तीनों चांस जाया कर दिए। अब इन तीनों में से किसी के भी ब्रीफ केस में अगर 10 लाख रुपए हैं तो वो टीम जीत जाएगी। तुम लोग मेहनत करके भी हार जाओगे। अब तुम लोग एक काम कर सकते हो, वो काम ये कि तुम्हारे पास एक पावर बची है ब्रीफ केस को स्वाप करने की। अगर तुम्हें लगता है कि इन तीनों में से किसी एक ब्रीफ केस में अभी 10 लाख रुपए हैं तो तुम इन नंबर्स के साथ स्वाप कर सकते हो, लेकिन ये पावर सिर्फ एक बार यूज करने के लिए है। करना है या नहीं? जल्दी से गाइस। नहीं, टाइम जा रहा है अब्दुल बासित। नंबर 7, नंबर 5, नंबर 9, ये 3 ब्रीफ केसेस हैं। चाहो तो इनमें से किसी से स्वाप कर सकते हो, नहीं चाहो तो मैं ओपन कर दूंगा। इनमें से किसी के पास भी निकले वो जीत जाएगा आज। फर्स्ट टाइम दानिश भाई इतना डिप्रेशन हुआ है, इसीलिए तो रखा है गेम चेंजर। बताओ भाई जल्दी से, वहां से टाइम खत्म हो गया हमारे पास। 2 चेंज करना चाहते हैं। 2 चेंज करोगे किससे? 9 से। 2 नंबर 9 से चेंज करोगे? लाओ भाई नंबर 2 को नंबर 9 से स्वाप कर दो। नंबर 2 गया, नंबर 9 आ गया। लाओ भाई जल्दी से, अब इनकी जो आखिरी पावर थी वो इन्होंने यूज कर ली है, खत्म हो गई। लाओ भाई जल्दी से ले आओ। यूट्यूबर्स, आपके पॉइंट्स तीसरे नंबर पे थे, बल्कि एक मिनट सबसे कम पॉइंट्स आपके थे। लेकर आओ 6 नंबर ब्रीफ केस तुमने चैंपियंस को दिया। आज सबसे कम पॉइंट्स थे टीम चैंपियंस के, और सबसे कम पॉइंट हासिल करके भी आज के विनर चैंपियंस नहीं रहे। चैंपियंस आज के मैच से बाहर। बारी है इसके बाद किसके थे? आपके थे यूट्यूबर, जल्दी से लेकर आओ। अच्छा एक चीज और, अगर इन दोनों में से भी किसी के पास नहीं निकले 10 लाख तो फिर भी तुम जीत जाओगे। फिर इन तीनों में से किसी में होंगे तो तुम लोग जीत जाओगे, तुम्हारे पॉइंट ज्यादा है। लेकिन अब बारी है यूट्यूबर्स की, जो 4 नंबर ब्रीफ केस आपने दिया यूट्यूबर्स को, उसमें यूट्यूबर्स के आज पॉइंट्स तीसरे नंबर पे थे। लेकिन जब किस्मत इतनी शानदार हो तो इनके कोई फायदा नहीं है। 2 लाख रुपए यूट्यूबर्स बाहर। जनाब अब बताऊंगा कि आज ये 9 नंबर तुम्हारे लिए खुशियां लाया है या तुम्हारे लिए खुशियां लाया है। लाओ भाई जल्दी से लेकर आओ जरा 9 नंबर। अगर इस 9 नंबर में 10 लाख रुपए निकले तो टिकटॉकर जीत गए, अगर नहीं निकले तो फिर इन तीनों में है 10 लाख रुपए। लेकिन तुम लोगों ने अपनी पावर यूज कर ली और 2 नंबर को स्वाप कर दिया ब्रीफ केस नंबर 9 से। ये किसका डिसीजन था? सबका था दानिश भाई। 2 को स्वाप करना सबका था। जब सबका डिसीजन था तो ये ब्लेम भी सबको ही करना चाहिए मुझे, क्योंकि आज ब्रीफ केस नंबर 9 में ही 10 लाख रुपए आज के विनर टीम टिकटॉकर्स। इसे कहते हैं तुक्का, बेहतरीन, बहुत आला लग क्या लिखा लाली इज टीम टिकटॉकर्स। जनाब आज के विनर 1 पॉइंट से हार रहे थे टीम टिकटॉकर, लेकिन किस्मत ने साथ दिया और गेम चेंजर जीते टिकटॉकर्स। आप लोगों ने ब्लंडर मारा, जब 2 नंबर दे दिया था तो फिर क्यों तुमने स्वॉप किया उसको? खैर ये सब कुछ किस्मत कराती है, इसलिए आज के विनर ठहरे टीम टिकटॉकर्स। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं दानिश तैमूर। बोल एंटरटेनमेंट की तमाम वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिएगा।